चलते अधिकतर नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण नदी नालों पर बने पुल पर कई फीट पानी है। वहीं बालाघाट से 40 किलोमीटर दूर उकवा चिखला जोड़ी से डोरा परसवाड़ा मार्ग पर नेहरा नदी के पुल की लंबाई लगभग 100 फीट है और ऊंचाई नहीं के बराबर है। बारिश के पानी के पुल उफान पर रहता है। आसपास के गांव प्रभावित होते हैं। स्कूली छात्र छात्राओं स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। खुरसुल गवना झोला जैतपुरी विजोरा गांव के लगभग 40 स्कूली छात्र छात्राएं डोरा स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। इसके साथ ही बालाघाट से चिखला जोड़ी डोरा होते हुए जो बसें जाती हैं वह भी अपना रूट बदलकर 20 किलोमीटर घूमकर परसवाड़ा पहुंचती हैं। पिछली रात भी हुई तेज बारिश के कारण यह पुल 12 घंटे बंद रहा। नेहरा नदी का पुल कम ऊंचा होने के कारण हल्की बारिश में भी पुल पर 4 फीट पानी आ जाता है। इसी पानी से बाढ़ आ जाती है, छोटा है पुल हाइट। और अब जैसे ही जल्दी आ जाती है बाढ़ तो स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। आई स्कूल है डोरा में, तो आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमको। पानी आने पर है भैया, मतलब ऊपर से बहुत नाले मिलके इसमें आते हैं ना, और उसकी वजह से ये पुल भी छोटा है। ये पुल बन जाए तो दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा इतना। अभी हम यहाँ के और जो यहाँ के निवासी हैं इनसे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है इस मार्ग से आने जाने के लिए। सर बताएं, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे से पुल चौक है और प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों को आने जाने में स्कूली बच्चों को आने जाने में अव्यवस्था हो रही है। गाड़ी वालों को आने जाने में व्यवस्था हो रही है और पानी पूरा ऐसा पुल के ऊपर से जा रहा है। तो प्रशासन इसमें ध्यान दे और कुछ करे। लोग जान को अपनी जोखिम में डाल के गाड़ी पार करके जा रहे हैं। आधा घंटा पानी आता है तो पुल के ऊपर से पानी चले जाने लगता है। देखा आपने यहाँ के रहवासी आसपास के, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और स्कूल के बच्चों को भी स्कूल जाने आने में समस्या होती है। और ये जो मार्ग है चिखला जोड़ी से डोरा परसवाड़ा मार्ग में जो ये नदी पड़ती है, यहाँ पे जल स्तर बारिश के दिनों में काफ़ी बढ़ जाता है और आए दिन की समस्या है यह। और यहाँ के लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पुल का नए निर्माण कर इस अव्यवस्था को ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेली की खास रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।